तो दोस्तों आज हम गांव के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है, खासकर जो ऊंचाई में रहते हैं उनको तो 100% इस वीडियो को देखना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रोड है, तो आपका भी जितने भी गाँव है सभी गाँव में एक ही कंडीशन है, जो ड्रेन और रोड होते हैं वो सही कभी नहीं होते। तो मैं इसका रीज़न बताने वाला हूँ कि ये सही क्यों नहीं होते। तो मैं बता दूं, जो ये रोड देख रहे थे ये हमारा रोड है, तो इस रोड के लिए मैंने 2018 में एक प्लान बनाया कि ये सही हो जाए। तो इस प्लान में मैंने मेरे जितने भी दोस्त थे सबको मैं एक जगह इकट्ठा कर लिया, जिसका मैं नाम भी बताने वाला हूँ। तो नाम भी बता दूं कि भूया भुट्टी के जो मेरे दोस्त थे, दिलदार थे और मकबूल और हानिफ और भी कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, सभी को मैं इकट्ठा कर लिया। एक जगह इकट्ठा करने के बाद मैंने सोचा कि जितने भी गाँव वाले हैं सभी को एक जगह इकट्ठा करके एक मीटिंग बुला लूँगी और प्रेस भी बुला लूँगी, ताकि हमारे जो रोड है वो सही हो जाए। लेकिन क्या हुआ, उन दोस्तों ने बोला कि इस गाँव की जो मुखिया है उनको भी बुला लो, और जो कुछ इज्जतदार लोग जो होते हैं जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं उन्हीं लोग को भी बुला लो, ताकि इस मीटिंग की जो अहमियत है वो ज़्यादा हो जाए। तो मैंने सोचा सही है। तो हमने जो हमारे भूया भुट्टी के जो रिस्पेक्ट करते हम सभी, तो उनका नाम है गियासुद्दीन, तो हमने गियासुद्दीन को बुला ली, और उसके साथ साथ तायर जो है दिलदार का नाना उनको भी मैं बुला ली। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ नाम लेने के लिए, ये नाम लेना ज़रूरी था, लेकिन क्या है ना, उन्होंने बोला कि हम लोगों को बोला कि कल चार बजे इस मीटिंग में सभी को बुला लेना। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने मिल के जिम भूया भुट्टी में जितने भी घर थे एक एक घर में घुस के जाके बोला कि कल 4 बजे आपके घर में से कोई भी एक आर्मी जा सकते हैं उन मीटिंग में, कोई भी एक इज्जतदार लोग जा सकते हैं। जाने के बाद हम सभी एक जगह मिल के इकट्ठा होके हम प्रेस बुला लेंगे और रूट के लिए कुछ करेंगे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, उस मीटिंग में जब हम शामिल हुए, हम सारे दोस्तों गए, लेकिन इसमें इस मीटिंग में गियासुद्दीन भी आए और भी कुछ तो बड़े बड़े रिस्पेक्ट करने वाले लोग आए। आने के बाद देखा कि इसमें कोई भी बंदा नहीं था, बंदे का मतलब है जो गांव वाले एक भी नहीं आया। 2-3 बंदी आई और बंदा तो बिल्कुल भी नहीं, वो अपने घर में छुप के बैठा हुआ था। तो इस बंदे कोई भी नहीं आने की वजह से इस मीटिंग को कैंसिल कर दी और ये मीटिंग नहीं हुआ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी, जो गांव वाले होते हैं वो बहुत ही डरपोक लोग होते हैं, इसीलिए वो लोग डरते हैं। डरने की वजह से जो रोड होते हैं और ड्रेन होते हैं वो सही नहीं होते, क्योंकि वो लोग डरते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं होते और किसी के लिए कुछ रोड के लिए और ड्रेन के लिए कभी बातें नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारे बात बोलते हैं, लेकिन जब बोलने के वक्त होते हो उस टाइम नहीं बोलते। मैंने इतने मेहनत करके सभी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे मेहनत की, लेकिन कोई भी एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ, मीटिंग में कोई भी शामिल नहीं हुआ गांव वाले। तो उस दिन मुझे पता चला कि जो गांव वाले होते हैं वो बहुत डरपोक किस्म के होते हैं या फिर बहुत ही मतलबी होते। अगर उन लोगों को फिक्र होती उस रूट की और ट्रेन की, तो ज़रूर वो लोग सभी मिल के एक जगह इकट्ठा होकर कुछ फैसला लेते और लेने के बाद शायद कुछ हो जाता। लेकिन उन लोगों ने डर के वजह से या फिर मतलबी के वजह से ये मीटिंग जो है कैंसिल हो गया। तो इसी वजह से जो रूट और ट्रेन होते हैं ना वो आज तक सही नहीं हुआ। तो आप लोगों के गांव में भी कुछ ऐसे मतलबी लोग या फिर डरपोक लोग हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो भी मेरे भाई चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊँ, तो मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियो जब भी अपडेट हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो को भाई ज़रूर आपके फेसबुक में शेयर कर देना और ट्विटर में ट्वीट कर देना, और जितने भी आपके पेज ग्रुप कुछ भी है सारे स्टेटस में कुछ भी हो सब में आप शेयर कर देना। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।